16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में ऐसा अनर्थ हुआ कि पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर आ गया। आज निर्भया केस को 7 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी देश का हर व्यक्ति दोषियों की फांसी का इंतजार कर रहा है। निर्भया की वजह से देश भर में आंदोलन की आग फैल गई। पूरा देश बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड की मांग करने लगा। संसद में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच पीड़ित लड़की की हालत नाजुक होती जा रही थी, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। सड़कों और सोशल मीडिया से उठी आवाज संसद के रास्ते सड़कों पर पहले से ही कहीं अधिक बुलंद होती नजर आ रही थी। दिल्ली के साथ साथ देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए जगह जगह बल प्रदर्शन भी किया, लेकिन युवाओं का हुजूम निर्भया के लिए आर पार की लड़ाई को तैयार बैठे थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए कांग्रेस सरकार हरकत में आई और आनन फानन में कई वायदे कर दिए, लेकिन आज उन वादों का क्या हुआ, इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। दरअसल बलिया जिले में निर्भया के दादा और सीएमओ के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पर बढ़ रहे हंगामे के बीच बलिया के डीएम श्री हरि प्रताप शाही ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर बलिया में आंदोलन और तेज हो गया है और निर्भया के दादा श्री लालजीत सिंह ने सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निर्भया के दादा ने आरोपी सीएमओ को तत्काल निलंबित करने की मांग की है और स्थानीय अस्पताल की मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्भया के दादा श्री लालजीत सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपी सीएमओ पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। 9 फरवरी से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने का 4th दिन है। अभी तक गाली सुनने को मिला है, वो गाली तो है जो कह रहा है कि आप लोगों ने उसको निर्भया को दिल्ली क्यों भेजा था। वो कह रहा है कि 17 साल तक पढ़ने में डॉक्टरी समय लगता है, कुछ के पास औकात है, तो इस तरह की भाषा और एक सीएमओ की भाषा। अभी वीडियो आपको हम दिखाएंगे तो आप बताइए कि इस तरह की भाषा क्या एक सीएमओ के लिए शोभा दे रहा है। सरकार क्या कह रही है, महिलाओं का सशक्तिकरण, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं? आप तो जिले के एक माननीय अधिकारी हैं, आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको संयमित भाषा बोलनी चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं? आप तो निर्भया को भी बदनाम कर रहे हैं। निर्भया को बदनाम करने वाले के लिए क्या मांग करेंगे आप? बिल्कुल, मैं मांग कर रहा हूँ कि इनको जल्द से जल्द निलंबित कर दिया जाए और यहाँ से बोरिया बिस्तर बंधवा दिया जाए। मैं निलंबन के नीचे कोई चीज मंजूर नहीं है। उनको तो बलिया के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। बलिया की बिटिया है और बलिया के गांव को ये बागी बलिया कहलाता है और उसको उन्होंने बदनाम कर दिया। अब आगे आंदोलन करेंगे, अरे कुछ नहीं करेंगे तो अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालेंगे और माचिस मार लेंगे, न रहेंगे न ये सुनेंगे। ये तो हमारे हाथ में है, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। जो जिसको मर्जी वो बोल जाएगा, जिसको जो मन में आया वही बोल जाएगा। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है।